हे गाइस, व्हाट्स अप? सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सतना डिस्ट्रिक्ट. ऑल राइट, ये 37th है हमारी सीरीज में लेक्चर, जिसमें हम सतना के बारे में बात करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. राइट, तो मूविंग ऑन, पहले मैप देखते हैं. सबसे पहले हमको मैप पे जो देखना है, वी विल ट्राई टू लोकेट वेयर इज सतना. तो मैप एक्सरसाइज के लिए सबसे ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट होता है आप डायरेक्शंस में क्लियर रहो. ठीक है, तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट. तो हमारा जो सतना है ये कहाँ पड़ रहा है? इट इज़ एविडेंटली विजिबल नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है. ऑल्सो इसकी बॉर्डर जो है सतना की किसके साथ लग रही है? यूपी के साथ लग रही है यहाँ से. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर जो है मध्य प्रदेश की वो राजस्थान से लगती है. एक्सट्रीम वेस्ट जो है वो गुजरात है. एक्सट्रीम साउथ जो है ये महाराष्ट्र है. साउथ ईस्ट इज छत्तीसगढ़ एंड देयर वी हैव नॉर्थ ईस्ट में उत्तर प्रदेश. राइट, तो ये तो हो गए हमारे बेसिक फैक्ट्स जो हमेशा पूछे जाते हैं. ऑल इन ऑल 5 डिस्ट्रिक्ट्स, 5 स्टेट्स जो हैं हमारी बॉर्डर पर हमको टच करते हैं. ठीक है, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द बेसिक, सम मोर बेसिक फैक्ट्स. राइट, सबसे पहले देखेंगे सतना की पॉपुलेशन कितनी है. ठीक, दिस इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन वी शुड हैव एन आइडिया. इट्स अराउंड 22 लाख. ठीक है, 22 लाख के करीब जो है सतना की पॉपुलेशन है. सॉरी, देन वी विल टॉक अबाउट सेक्स रेशियो. ठीक है, सेक्स रेशियो सतना का कितना है? इट इज़ 926. ठीक, 926 अगेंस्ट 1000 मैन. ठीक है, मतलब 926 विमेन है अगेंस्ट 1000 मैन. राइट, अगर हम लिटरेसी की बात करें, साक्षरता, ठीक है, लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट सतना में कितना है? 72.3%. ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे इसका एरिया. अगर हम एरिया की बात करें सतना डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल, तो कितना है? 7500. ठीक है, 7500 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है. ऑल्दो ये पॉपुलेशन एंड एरिया इतना डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, बट देन वी शुड हैव सम आइडिया. उसके बाद अगर हम बात करेंगे डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की, 1 किलोमीटर के एरिया में ऑन एन एवरेज कितने लोग रहते हैं? तो इट इज़ 297. ठीक है, ऑलमोस्ट 300 लोग. सॉरी, देन वी हैव सबसे पहले इसकी तहसील. ठीक है, अगेन दे विल नॉट आस्क यू डायरेक्टली कि कौन कौन सी तहसील इसके अंदर आती है, अनटिल एंड अनलेस उन तहसील में कुछ बहुत ज़्यादा एविडेंट न्यूज़ में रहा हो. तो इसके अंदर जो तहसील है वो है बीर सिंहपुर. ठीक है, आई जस्ट नेम दैम. तो है यहाँ पर बीर सिंहपुर, कोटर, रघुराजनगर, नागौद, रामपुर बघेलन, उचेहरा और अमरपाटन, रामनगर और मैहर. ठीक है, जैसे अब देखिए इसकी एक जो तहसील है मैहर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर जो है मंदिर है. राइट, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती, तो फिर देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि भाई मैहर जो मंदिर है वो बेसिकली किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है. राइट, तो वी शुड नो कि ये सतना में एक तहसील है मैहर, है ना. दिस वे यू शुड लर्न थिंग्स. मूविंग ऑन, अगर और बात करेंगे हम यहाँ पर, तो बारूद की, बारूद स्तूप. ठीक है, बारूद की यहाँ पर गुफाएं हैं. बारूद स्तूप है यहाँ पर. ठीक, तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, सतना में है. सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था इसका निर्माण. ठीक है, किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको पता होना चाहिए. महात्मा गांधी चित्रकूट महाविद्यालय की स्थापना नानाजी देशमुख ने की थी. तो यहाँ पर जो है एक महाविद्यालय है, दैट इज यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है महात्मा गांधी. ठीक है, महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय. तो इसकी जो है स्थापना किसने की थी? नानाजी देशमुख ने की थी. और नानाजी देशमुख जो है रिसेंटली, मतलब इस साल किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए न्यूज़ में थे. सो नाउ यू मेक श्योर आप थोड़ा इसको याद करो. ठीक है, नानाजी देशमुख जो है इस साल न्यूज़ में थे. 3 पर्सनालिटीज साथ में न्यूज़ में आई थी किसी पर्टिकुलर अवार्ड के लिए, जिसमें नानाजी देशमुख भी थे. तो यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट दिस. आप इसको कॉमेंट कर दीजिए सो दैट ऑल अदर पीपल कैन ऑल्सो सी. राइट, देन वी हैव जगत गुरु नाम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय. तो यहाँ पर जो है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक विश्वविद्यालय, दैट इज यूनिवर्सिटी है, चित्रकूट में है. ठीक है, और उसका नाम है जगत गुरु नाम भद्राचार्य विश्वविद्यालय. ठीक है, भगवान राम ने वनवास के समय चित्रकूट में अत्रि ऋषि के आश्रम में रहे थे. ठीक, तो भगवान राम किसके आश्रम में रहे थे? अत्रि ऋषि के आश्रम में रहे थे. और ये देयर कैन बी अ क्वेश्चन लाइक दिस कि अत्रि ऋषि जो है उनका आश्रम कहाँ है? तो ये कहाँ है? चित्रकूट में है. ठीक है, ये अत्रि ऋषि का आश्रम जो है ये कहाँ है? चित्रकूट में है. ठीक, उसके बाद है स्वेडन के शोधनकर्ताओं ने मंदाकिनी नदी के किनारे 1.6 अरब वर्ष पुराना जीवाश्म खोजा है. ठीक है, अगेन अगर हम
शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो वी हैव सीन यहाँ पर महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, 1991 का है, ठीक है, जिसको किसने बनवाया था, नानाजी देशमुख ने बनवाया था, ठीक। देन तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तुलसी रिसर्च सेंटर है यहाँ पर, यूनिक है ना ये, इसलिए भी आपने बहुत कम सुना होगा कि तुलसी रिसर्च सेंटर जो है कहीं हो, ठीक है, तो ये कहाँ है, चित्रकूट में है, इम्पोर्टेंट वन, राइट। एक इम्पोर्टेंट चीज जो हम यहाँ मिस आउट कर गए कि सतना जो है वो किस डिवीजन के अंदर आता है, तो इट कम्स अंडर रीवा डिवीजन, है ना, रीवा डिवीजन के अंदर आता है सतना, ओके। सो या इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको मैं अभी डिलीट करती हूँ सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। देन इसके बाद यहाँ पर और क्या है, पड़ोसी जिले, तो यहाँ जैसे वी हैव सीन पन्ना है, ठीक है, पन्ना है, सीधी है, तो ये सारे इसके नेबरिंग जो है जिले हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक। उमरिया हुआ, कटनी हुआ, उत्तर प्रदेश के साथ जो एरिया लग रहा है वो कौन सा है, चित्रकूट जिला ही सतना से सीमा साझा करता है, ठीक है, उत्तर चित्रकूट जिला जो है सतना से सीमा साझा करता है। देन सतना में सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग प्रचलित है, वी नो सतना सीमेंट फैक्ट्री बहुत फेमस है ना, तो सतना सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पर। अब इससे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर किस कंपनी की सीमेंट फैक्ट्री है, राइट, तो आप वो देखना। देन सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग, ठीक है, चूना गेरू में शीर्ष उत्पादन जिला है, ठीक है, यहाँ पर जो है चूना, दैट इज लाइम स्टोन, लाइम स्टोन का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। रिवर्स की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर है यहाँ पर, देन वी हैव टोन्स, टोन्स रिवर है यहाँ पर, देन सोन पैसुनी, ठीक है, सोन पैसुनी है, तो दीज आर द रिवर्स जो यहाँ बहुत फेमस है। और सतना नदी यहाँ पर एक है जिसके कारण ही इस जिले का नाम जो है सतना पड़ा है, ठीक है, एक है यहाँ पर सतना रिवर, सतना मतलब ऑब्वियसली किसी की ट्रिब्यूटरी रही होगी। देन वी हैव, ये अगर हम टेम्पल्स या फिर जो है कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो यहाँ है सीता रसोई, बिकॉज यूपी से चित्रकूट लगता है ना यहाँ पर, इसलिए सीता रसोई एक जो है एक जगह है फेमस है। भारहुत के स्तूप वी हैव सीन, किसने बनवाए थे, अशोक ने बनवाए थे, भारहुत स्तूप है यहाँ पर, अशोक ने बनवाए हुए हैं ये। देन मूविंग ऑन व्हील सी, यहाँ पर और क्या चीजें हैं घूमने की, हनुमान धारा, ठीक है, वन मोर थिंग इज देयर, हनुमान धारा, तो आप देख रहे होंगे कुछ इम्पोर्टेंट टाइप की चीजें, जैसे हनुमान धारा है यहाँ पर, ठीक है, देन ऑब्वियसली राम से रिलेटेड है, सीता रसोई है, ठीक है, बिकॉज ये चित्रकूट है ना यहाँ पर, इसलिए ये सारे इस टाइप की सारी जगह है, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव की क्या बोलते हैं, कामदगिरी पर्वत, कामदगिरी पर्वत, सो वी हैव दिस, ठीक, दीज आर सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस। देन वी नो चित्रकूट में राम ने वनवास का समय बिताया था, सो या सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। और यहाँ देखेंगे मैयर में शारदा देवी का मंदिर है, तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो जगह है, और मैयर वी हैव सीन ये क्या है, तहसील है, ठीक है, तो यहाँ पर किसका मंदिर है, मैयर शारदा, शारदा का, ठीक है, शारदा देवी का मंदिर है यहाँ पर। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर से शुरू की गई, ठीक है, व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ से शुरू की गई, सबसे ज्यादा फेमस व्हाइट टाइगर के लिए कौन सा है हमारा नेशनल पार्क, आप वो बताना, रीवा और यही वाली रेंज में है। फिलहाल हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाइट टाइगर सफारी शुरू कहाँ से की गई है, राइट, ये शुरू की गई है मुकुंदपुर, ठीक है, मुकुंदपुर से शुरू की गई है, इसलिए ये अगेन ये न्यूज में है, ओ सॉरी न्यूज में है बोल रही हूँ, सो दिस वी हैव टू रिमेम्बर, ठीक है, सतना से रिलेटेड। देन इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर रामनगर जहाँ तुलसी संग्रहालय स्थापित है, वी हैव सीन भूमरा एवर खो में गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है, दिस इज ऑल, आई मीन इससे ज्यादा कुछ है नहीं सतना में। अगर ये उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे एग्जाम टाइम पे किसी कारण से न्यूज में रहेगा तो कुछ और भी चीजें हो जाएंगी, अदरवाइज दिस इज ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऑलराइट, सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।